अयोध्या प्रभु श्री राम की धर्म की नगरी में प्रवीण भाई तोगड़िया अपने समर्थकों के साथ श्री राम जन्मभूमि राम कोर्ट की परिक्रमा प्रारंभ करने ही वाले थे कि पुलिस प्रशासन से श्री राम भक्तों की नोकझोंक हो गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन के मान मनोवल के बाद प्रवीण भाई तोगड़िया अपने समर्थकों के साथ सरयू तट पर वापस आ गए और सभा को संबोधित किया। बताते चलें, कहते हैं योजना न बने तो योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। शायद इसी जुमले के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपना प्लान बदला। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य अयोध्या में राम मंदिर बनना और योजना राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना। अयोध्या में राजनीतिक पार्टी की घोषणा तो हो गई, लेकिन वजूद में आने के पहले ही तोगड़िया ने चुनावी वादे भी कर डाले। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे प्रवीण भाई तोगड़िया अब भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष एक नई पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं। राम मंदिर की राजनीति करते करते प्रवीण भाई तोगड़िया आखिर राजनीतिक हो ही गए। विश्व हिंदू परिषद से अलग होने के बाद प्रवीण भाई तोगड़िया अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे। यह सपना कितना साकार होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पॉलिटिकल स्टंट खेल कर तोगड़िया ने यह साफ कर दिया कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक पार्टी खड़ी कर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करेंगे। अयोध्या में प्रवीण भाई तोगड़िया ने हुंकार भरी और कहा कि हिंदुओं की सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर अयोध्या, मथुरा और विश्वनाथ में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अल्पसंख्यकों पर निशाना साधते हुए तोगड़िया ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करते हुए अल्पसंख्यक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाएंगे और कोई भी अल्पसंख्यक 2 बच्चों से अधिक अब पैदा नहीं कर सकेगा। देखना यह है, दिलचस्प होगा कि क्या 2019 की लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक तोड़ पाएंगे प्रवीण तोगड़िया। राम भक्तों के भरोसे अपनी नैया नदी में उतार तो दी है। उनका कहना है कि 50 लाख युवाओं को परिचय पत्र बांटकर युवाओं की नई विंग तैयार करेंगे और यह काम 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 25 से 30 युवा काम करेंगे और जन जन तक हिंदुत्व की मुद्दों को लेकर हिंदुओं की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। प्रवीण भाई तोगड़िया ने अयोध्या में सभी हिंदू संगठनों से अपनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का आह्वान भी किया। सबसे पहले तो ये बता दिए कि आपकी पार्टी का नाम क्या है और उसका एजेंडा क्या रहने वाला है। खास तौर से नाम तय है, हम योग्य समय पर बताएंगे। एजेंडा स्पष्ट है, हमें चाहिए समृद्ध हिंदू। हर हिंदू को खाना, सस्ती शिक्षा, युवाओं को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, स्वामीनाथन आयोग की स्वीकृति, सस्ता पेट्रोल, महिलाओं की सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करके उनको आइसोलेशन डिटेंशन कैंप में ले जाकर बांग्लादेशियों से मुक्ति, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा की समाप्ति, 2 बच्चों का कंपलसरी कानून, मथुरा अयोध्या विश्वनाथ तीनों के मंदिर, गौ हत्या बंदी का कानून, धारा 370 की मुक्ति, कॉमन सिविल कोड। अच्छा। सरकार आने के 3 महीने में अयोध्या विश्वनाथ तीनों के भव्य मंदिर बनाएंगे। फैजाबाद आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय महाधिवेशन प्रेस क्लब सभागार में शुरू हुआ। अधिवेशन के पहले दिन आयोजित पत्रकार वार्ता में एसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी त्रिपाठी ने कहा, हमारी सरकार यदि बनेगी तो सभी शिक्षण संस्थाओं का अधिग्रहण किया जाएगा और उचित शुल्क का निर्धारण होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि देश की संपदा पर नागरिकों का पहला हक बनता है। पारित प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि पेट्रोल डीजल सहित अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य निर्धारण वर्ष में एक बार किया जाए तथा उसे पूरे साल चलाया जाए। इस व्यवस्था से महंगाई पर जहां प्रभावी अंकुश लगेगा, वहीं व्यवसायियों द्वारा उपभोक्ताओं को ठगा नहीं जा सकेगा। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के लिए परंपरा का समीक्षा लागू करने का पर बल दिया। उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट जो सरकार ने लागू किया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था का हम विरोध करते हैं, आधार पहचान पत्र रद्द किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव व्यवस्था में सुधार लाना है तो EVM से मतदान बंद होना चाहिए। यदि बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा तो किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। अयोध्या के राम मंदिर के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो निर्णय देगा उसका हम पालन करेंगे।
करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की अतिक्रमण हटाओ नीति गलत है, यदि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अतिक्रमण करते समय पर ही उसे रोका जाए तो अपने आप इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक पूंजीवादी भाजपा सरकार के खिलाफ हमारी पार्टी है, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए हम किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है भाजपा किसी भी तरह सत्ता में न आने पाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के नाम पर सरकार उपभोक्ताओं को लूट रही है, पेट्रोलियम उत्पादों का 91% शेयर सरकार के पास है, कुछ शेयर राष्ट्रपति व राज्यपाल के पास है, केवल 4% शेयर राजघरानों के पास है। ऐसी दशा में सरकार का यह कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियां मूल्य निर्धारण करती हैं, उसमें सरकार रोक नहीं लगा सकती, सरासर गलत है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता लक्ष्मी गौड़, दीपक कुमार वर्मा के साथ नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। महाधिवेशन आज पार्टी का गठन हुए पूरे 6 साल हुए हैं, न केवल आज पार्टी का स्थापना दिवस है बल्कि आज पार्टी का एक नेशनल प्लेनरी सेशन है जिसमें हम राष्ट्रीय मुद्दों, राष्ट्रीय सरोकारों से जिन पर देश की व्यवस्था और देश के संचालन पर फर्क पड़ता है उसके लिए यहाँ पर प्रस्ताव पास करने और पार्टी के व्यू से जनता को अवगत कराने के लिए यहाँ एकत्रित हूँ। क्या एजेंडा है आपका? एजेंडे की कापी दी गई है, हमारे यहाँ नोटबंदी पर भी बातचीत हुई है, हमारे यहाँ आरक्षण पर भी बातचीत हुई है, हमारे यहाँ राम मंदिर मुद्दे पर भी बात हुई है। जब पार्टी का महाधिवेशन होता है तो ऐसे तमाम राष्ट्रीय सरोकारों वाले विषय पर चर्चा और जो पार्टी का स्टैंड है वो क्लियर किया जाता है जिससे देश में भावी राजनीति में फर्क पड़ने वाला है। 2019 का आप क्या है? पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, पार्टी पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और हम अपने को प्रगतिशील और सेकुलर राजनीतिक दल मानते हैं। ये मानते हैं कि भारत भूमि पर सभी जाति वर्ण सांप्रदाय वालों का समान हक है, जो भी भारत का नागरिक है उसके साथ भारतीय उपबंधों के अधीन व्यवहार होना चाहिए। फैजाबाद पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने पत्रकारों को बताया कि 25 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या आने को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। प्रेस वार्ता में संजय राउत ने राम मंदिर मुद्दे पर बोले, उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण तो होना ही चाहिए, 25 नवंबर को हम सभी श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। इस अवसर पर शिवसेना के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। अब तो बार बार आना पड़ेगा, फैजाबाद में राम मंदिर का विषय है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब का जो यहाँ कार्यक्रम बन रहा है उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी आएंगे 25 तारीख को, यहाँ उनका प्रोग्राम बन रहा है, प्रशासन से भी कोऑपरेशन मिल रहा है ठीक तरह से, तो व्यवस्था है। क्या प्रोग्राम है क्या नहीं इस बारे में इतने शायद भीड़ जुड़ सकती है ज़्यादा संख्या में, यूपी से लोग आएंगे, महाराष्ट्र से लोग आएंगे, तो उस बारे में तैयारी है हमारे। सर जिस तरह तुगरिया जी कार सेवा कर रहे हैं, क्या लगता है ये कोई राजनीतिक स्टंट है या? देखिए मुझे मालूम, लेकिन हम लोग यहाँ शिव राम लल्ला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बने, सभी बाधाएं दूर हो जाए। हमने ये भी कहा है कानून बने राम मंदिर के लिए, अगर कानून आज नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, पार्लियामेंट में पूरा बहुमत है, तो अगर आज हम कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो जो हमारे करसेवक यहाँ शहीद हुए थे 25 साल पहले उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अभी जिस तरह से यहाँ पर परिक्रमा पर रोक लगी है प्रशासन द्वारा, इसमें क्या कहना आपका है? देखिए हर संगठन का अपना एक कार्यक्रम होता है, लेकिन हम अयोध्या में हमेशा शांति और सुव्यवस्था चाहते हैं।
फैजाबाद भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक पीयूष रंजन एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर नव निर्वाचित महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया एवं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर राजीव कुमार पांडे, योगेश श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, ब्रजेश सिंह, रमेश तिवारी, प्रवीण सिंह, दीन बंधु, सौरभ अवस्थी के साथ तमाम अधिवक्तागण शामिल रहे। भाजपा में पहली बार बुद्धिजीवी वर्ग से नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आया है। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर बुद्धिजीवियों का भरपूर सम्मान होता है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह करके दिखाया कि हमारे नवनियुक्त महानगर अयोध्या अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो पायनियर के हिंदी संस्करण के पत्रकार हैं और उनका सम्मान जिला अध्यक्ष अयोध्या नगर महानगर बनाकर किया गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात शहर फैजाबाद के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करता था, वो महसूस करता था कि जिसको देखो अगर कोई राजनीति में आ रहा है तो वो लोग जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनको लिखने की तमीज़ नहीं, जिसको पढ़ने की तमीज़ नहीं, जिनको समझने की तमीज़ नहीं है, वो जाकर डीएम और एसएसपी से बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो जन समस्याओं को समझ नहीं सकते, उन पर विचार नहीं कर सकते, तो उनकी समस्याओं का निराकरण वो कैसे कर पाएंगे? हम अपेक्षा उनसे ये करते हैं कि हमारे कमलेश जी एक समझदार व्यक्ति हैं, वो पत्रकार हैं और पत्रकारिता करते हैं, इस वजह से वो समाज की नब्ज को पहचानते हैं और समाज की नब्ज को पहचानने के वाला ही गरीबों का कल्याण और लोगों का कल्याण समाज का कर सकता है। वो समाज में कुरूतियों को, बुराइयों को, समस्याओं को सही ढंग से सही पटल पर रखेंगे और उसका निराकरण करेंगे, इसका हमको पूरी विधि प्रकोष्ठ फैजाबाद को भरोसा है। फैजाबाद सिविलियन स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया एवं 9 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया। इनकी मुख्य मांगे विगत वर्ष 2017-18 में जनपद की केएम शुगर मिल ने 11 नवंबर को इंडेट जारी कर 14 नवंबर को पूजा कर चीनी मिल में पेराई चालू किया था। गन्ना सर्वे व शीघ्र प्रजाति का अधिक गन्ना होने के कारण शुगर मिल तुरंत चालू कराई जाए। ज्ञापन सौंपने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता व कार्यकर्ता शामिल है। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना का जो बकाया मूल है पिछले वर्ष का, उसको लेकर और आज 23 नवंबर है अक्टूबर, और अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी चीनी मिल में गन्ना का पेराई नहीं शुरू हुआ। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द चीनी मिल चालू की जाए, क्योंकि जब तक चीनी मिल नहीं चालू होगी तब तक किसानों के खेत में जो गन्ना खड़ा है वो नहीं बिकेगा और किसान अगली फसल गेहूं की बुआई नहीं कर पाएगा। पिछले साल अपने जनपद फैजाबाद की चीनी मिल 11 नवंबर को इसका इंडेंट जारी हुआ था, 14 नवंबर को इन्होंने पूजा करके पेराई सत्र शुरू किया था और इस वर्ष अभी कुछ पता नहीं है कि चीनी मिलें कब चलेंगी। पश्चिम में विगत वर्ष सारी जो है 15 अक्टूबर तक चीनी मिलें लगभग चलना शुरू हो जाती थी, अब आज 23 अक्टूबर है, अभी कोई चीनी मिल उत्तर प्रदेश में नहीं चला है। निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के जो है नीतियों के जो गलत नीतियां हैं उसके कारण ये हो रहा है।
फैजाबाद सदर तहसील के तिकुनिया पार्क में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम करने की अनुमति सरकार के दबाव में आकर रद्द कर दिया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 19 का घोर अपमान है। इसी संदर्भ में बहुजन क्रांति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश के 550 जनपदों में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। इस जेल भरो आंदोलन में बहुजन क्रांति मोर्चा के सभी संगठनों ने भाग लिया। इस अवसर पर दीपक नारंग, सुनील कुमार, गुरु प्रसाद, राम जगत पटेल, उमा शंकर यादव, रविंद्र कुमार, अरुण कुमार, अमीशा, अमिताभ बौद्ध, सुखमती, पुष्पा, सीमा, आभा, सीता, आदित्य, अमित गौतम, सुशीला, प्रमोद, जितेंद्र, रामदेव के साथ सैकड़ों की संख्या लोगों ने भाग लिया। तारीख को आदरणीय वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं और गुजरात में ये परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा था। उस कार्यक्रम की परमिशन हमारी कैंसिल की गई और उसके बाद मेश्राम साहब उस कार्यक्रम को हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत हम लोग को अपना अधिकार मिला हुआ है, बोलने का अधिकार मिला हुआ है। और वो कार्यक्रम लेने के जब जा रहे थे तो उसमें मेश्राम साहब की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक मेश्राम साहब को नहीं छोड़ा गया है। कल हम लोगों ने इसके लिए जेल भरो आंदोलन चलाया था। यहाँ की प्रशासन ने हम लोग को यहीं पर ही बंदी बना लिया, हम लोगों को कोतवाली नहीं जाने दिया और तब से हम लोग यहाँ पर निरंतर लगे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने के बाद हम लोग अगर हम मिसाल